बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। पहले तो मैं सारी कहूँगा आप सबसे कि इस वीडियो की जो सीरीज़ है इसमें दो तीन दिन का ब्रेक आया, लेकिन इसकी कुछ अनअवॉइडेबल रीजंस वजूहत थी। एक वजह तो ये थी, जो हमारा टेक्निकल एक्सपर्ट है जमशेद साहब, उनकी कुछ घरेलू मसरूफियाती डोमेस्टिक प्रॉब्लम जो मरीज़ थे उनके घर में। दूसरी बात यह है कि हम चैनल के बारे में भी कुछ मशवरे कर रहे थे, क्योंकि स्टूडेंट्स से ये डिमांड आ रही थी कि लेक्चर बायोलॉजी की है और चैनल का नाम कंप्यूटर के नाम से है, तो इस एम्बिग्विटी को, इस कंफ्यूजन को ख़त्म करने के लिए भी हम चाह रहे थे कि हम कोई आखिरी फैसला करें। तो फैसला ये हुआ, और अच्छा फैसला हुआ, कि जो जमशेद कंप्यूटर अकेडमी जो चैनल का नाम था, वो चैनल का नाम हमने तब्दील किया। उस चैनल का अब नया नाम है बायोलॉजी विद प्रोफेसर अली। जिन्होंने ये चैनल सब्सक्राइब किया था उसी पे रहे, उनको तो चेंज करने की जरूरत नहीं, सिर्फ चैनल का नाम चेंज हो जाएगा। और जो नए स्टूडेंट्स हो चैनल को शेयर कर रहे हैं या आपसे पूछ रहे होते हैं कि शराली साहब के बायोलॉजी के लेक्चर यूट्यूब पे जो अवेलेबल है उसके चैनल का नाम क्या है, तो अब आप ये नाम बताने की बजाय ये वाला नाम बताएं, बायोलॉजी विद प्रोफेसर अली। इस चैनल के ऊपर आपको बायोलॉजी और कंप्यूटर ट्रिक्स, वीडियो एडिटिंग जो चीज़ें हैं वो आपको मिलेगी। दूसरे सब्जेक्ट जो इस चैनल पे पहले चल रहे थे, फिजिक्स, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, ये वाले सब्जेक्ट अब आपको हमारे नए चैनल पर, ये भी हमारा अपना ही चैनल है बन्नू फ्री ट्यूशन अकेडमी, ये न्यू नया चैनल हमने बनाया है फिजिक्स के लिए, इंग्लिश के लिए, दूसरे जो सब्जेक्ट्स हैं उनके लिए हमने ये चैनल बनाया हुआ है। अगर कोई रहमानुल्लाह साहब या फिजिक्स का जो प्रोफेसर है या अंग्रेजी के लेक्चर अटेंड करना चाहता है ऑनलाइन, तो वो इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें। लेकिन मेरे लेक्चर के लिए और कंप्यूटर ट्रिक्स के लिए ये चैनल बायोलॉजी विद प्रोफेसर अली, जो इसका पुराना नाम था जमशेद कंप्यूटर अकेडमी। तो ये एक अच्छी अनाउंसमेंट थी जो लेक्चर से पहले ज़रूरी थी। हमने सेशन किया, स्टार्ट किया था टेक्निक्स ही ना बायोलॉजी, और उस टेक्निक में हमने सबसे पहली और पुरानी टेक्निक माइक्रोस्कोपी पढ़ी थी। अब हम आज का लेक्चर हमारा है स्टेनिंग और सेंट्रीफ्यूगेशन के ऊपर। आज की मेरी कोशिश है कि मैं दो वीडियो अपलोड करूं, क्योंकि जो ब्रेक है उसको कंपेंसेट करने की कोशिश करूंगा। तो मैं दो टेक्निक आज पढ़ाऊंगा। पहली वीडियो में, पहले सेशन में हम स्टेनिंग की टेक्निक पढ़ेंगे, और दूसरी वीडियो में हम सेंट्रीफ्यूगेशन की जो टेक्निक है वो पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की पहली टेक्निक स्टेनिंग। स्टेनिंग टेक्निक को हम डिफाइन करते हैं द टेक्निक ऑफ एडिंग स्पेसिफिक डाइज टू अ स्पेसिमन फॉर डिफरेंशिएशन एंड बेटर विजिबिलिटी अंडर द माइक्रोस्कोप। स्टेनिंग वो टेक्निक है जिसमें हम किसी स्पेसिमन को माइक्रोस्कोप के अंदर देखने के लिए, माइक्रोस्कोप के नीचे देखने के लिए हम उस स्पेसिमन को डाई यानी कलर ऐड करते हैं, उस स्पेसिमन को एक कलर से स्टेन करते हैं दो मकासद के लिए। एक मकसद ये होता है कि चूंकि हमने स्टार्ट में बताया था कि बायोलॉजिकल जो स्ट्रक्चर से इंपॉर्टेंट, जैसे सेल हुई, न्यूक्लियस हुई, साइटोप्लाज्म हुआ, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर है मोस्ट ऑफ द केसेस में। और ट्रांसपेरेंट चीज़ें माइक्रोस्कोप के अंदर चाहे आप जितनी ही मैग्नीफाई क्यों ना करें वो नज़र नहीं आएगी आपको। तो विजिबिलिटी के लिए, ट्रांसपेरेंट चीज़ों को विजिबल बनाने के लिए हम स्टेन ऐड करते हैं उस स्पेसिमन को। और दूसरा मकसद होता है कि जो स्पेसिमन के मुख्तलिफ पार्ट्स है उसको हम अलग अलग करके देख सकें। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टेनिंग इस डेफिनेशन से हमारे पास क्लियर हुई कि ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टेनिंग क्या है। ऑब्जेक्टिव जमीन मकासद, कौन से मकासद है स्टेनिंग के? नंबर एक ऑब्जेक्टिव हुई विजिबिलिटी,
ऑफ ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स बाय गेटिंग अ कॉन्ट्रास्ट. नंबर टू ऑब्जेक्टिव हुई डिस्टिंग्विशिंग वेरियस पार्ट्स ऑफ स्पेसिमन, जो कि मोस्ट ऑफ द केसेस में हमारे पास हो सो वो स्पेसिमन सेल होता है. डिस्टिंग्विश वेरियस पार्ट ऑफ स्पेसिमन यानी सेल बाय गेटिंग अ कॉन्ट्रास्ट. डिस्टिंग्विशिंग का मतलब होता है फर्क करना कि सेल के मुख्तलिफ हिस्सों को हम अलग अलग देख सके. पहला जो मकसद है उसको हम डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट कर रहे हैं करेंगे कि पहला जो मकसद है कि ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट हो चाहे जितना ही बड़ा क्यों ना हो वो आपको नजर नहीं आएगा. और ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट को विजिबल बनाने के लिए हम उस ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट को स्टेन के साथ कलर देते हैं ताकि वहां पर कंट्रास्ट आ जाए. कंट्रास्ट का मतलब है मुखालफत. कंट्रास्ट का मतलब है मुखालफत. जब किसी पिक्चर के अंदर कंट्रास्ट हो तो उस पिक्चर के मुख्तलिफ चीज़ें आपको नज़र आएगी, लेकिन अगर उस चीज़ के पिक्चर के अंदर कंट्रास्ट कम हो तो आपको वो चीज़ें साफ नज़र नहीं आएगी उस पिक्चर के अंदर. फॉर एग्जांपल, हम वाइट बोर्ड पर ब्लैक इंक से लिखाई क्यों करते हैं? क्योंकि वाइट और ब्लैक का कंट्रास्ट ज़्यादा है और वाइट बोर्ड पर आपको ब्लैक इंक ज़्यादा साफ नज़र आती है एज़ कम्पेयर टू रेड या ब्लू इंक. इसकी वजह यह है कि मैक्सिमम कंट्रास्ट ब्लैक और वाइट के दरमियान है और वाइट बोर्ड पर आपको ब्लैक लिखाई ज़्यादा साफ नज़र आती है. यही लॉजिक आप स्टेनिंग में भी हम इस्तेमाल करते हैं माइक्रोस्कोप के अंदर. ये जो पहला ऑब्जेक्टिव है उसको समझने के लिए ये एग्जांपल आप लें कि फॉर एग्जांपल आपके पास ये सेल है. अब ये सेल इतना छोटा है माइक्रो लेवल पर है कि ये आपको नज़र नहीं आ रहा, इसका साइज छोटा है. तो माइक्रोस्कोप की टेक्निक में हमने पढ़ा कि हम इसको मैग्नीफाई कर लेंगे. चलो मैग्नीफाई कर लेते हैं. तो ये सेल लो फॉर एग्जांपल 1000 टाइम मैग्नीफाई हुआ. हमने इस सेल को एक ऐसे माइक्रोस्कोप के अंदर हम देख रहे हैं जिसकी फॉर एग्जांपल मैग्नीफिकेशन पावर 1000x है एंड इट कैन इंक्रीज द साइज अपेरेंट साइज ऑफ द सेल बाय 1000 टाइम. सो ये सेल फॉर एग्जांपल इस हद तक इंक्रीज हुआ लेकिन आपको अभी भी कुछ नजर नहीं आ रहा. क्यों? क्योंकि ये सेल क्या है? ट्रांसपेरेंट. ये लाइट को रिफ्लेक्ट ही नहीं कर रही. इसका साइज कितना ही बड़ा क्यों ना हो ये लाइट को रिफ्लेक्ट ही नहीं कर रही तो आप कैसे देखेंगे? इसकी मिसाल ऐसे है जैसे किसी शॉपिंग मॉल के अंदर दरवाजे पर एक ट्रांसपेरेंट ग्लास डोर लगा हुआ है तो अक्सर लोग जो है ना उस जो ग्लास डोर है उसका टकरा जाते हैं. उनका ख्याल ये होता है कि डोर ओपन है लेकिन वो तो ग्लास डोर है, वो उनको नज़र नहीं आ रहा होता. लेकिन जब उस डोर के ऊपर कुछ लिखाई होती है या हैंडल लगा होता है तो हमें नज़र आ रहा होता है कि ये डोर है. ग्लास तो आपको नज़र नहीं आ रहा क्योंकि परफेक्ट जो ग्लास होती है वो परफेक्टली ट्रांसपेरेंट होती है और उससे लाइट आर पार जा रही होती है, आपको नज़र नहीं आता कुछ. यही किस्सा सेल के अंदर भी है. मैंने स्टार्ट में बताया था कि हमारे पास मेजॉरिटी जो सेल है वो ट्रांसपेरेंट है और ट्रांसपेरेंट चीज़ों को आप जितना ही मैग्नीफाई क्यों ना कर लो वो नज़र नहीं आते. तो अब देखें हम इसमें ऐड करेंगे स्टेन. स्टेन जो है वो स्लाइड माइक्रोस्कोप का जो स्टेज है और जो स्पेसिमन है उसके दरमियान आपको कंट्रास्ट देगा, मुखालफत देगा. तस्वीर के अंदर जब कंट्रास्ट होगा तो आपको चीज़ें नजर आएगी. तो अब ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है फॉर एग्जांपल ये कोई कलर एब्जॉर्ब कर लेती है. सेल का जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो कोई कलर एब्जॉर्ब कर लेती है. साइटोप्लाज्म के जो ऑर्गेनेल है माइटोकांड्रिया हुई, गाल्जी बॉडी हुई,
लाइसोजोम हुई, राइबोसोम हुआ। ये जो आर्गेनिल है ये कलर ऑब्जर्व कर लेते हैं। न्यूक्लियस आर्निस के अंदर जो न्यूक्लियस है, जो क्रोमोसोम है, वो भी कोई ना कोई कलर, हम देखेंगे कौन सा कलर ऑब्जर्व करते हैं, ये भी कोई कलर ऑब्जर्व कर लेते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी कोई कलर ऑब्जर्व कर लेता है। अब आप न सिर्फ आप इस सेल को देख सकते हो, बल्कि इस सेल के मुख्तलिफ हिस्सों को भी एक दूसरे से अलग अलग करके देख सकते हो। दूसरा ऑब्जेक्टिव भी साथ साथ में क्लियर हुआ, डिस्टिंग्विशिंग के सेल के मुख्तलिफ हिस्सों के दरमियान आपको फर्क भी नजर आ रहा है। पहले आपने मैग्नीफाई किया 1000 टाइम, कुछ नजर नहीं आया, क्योंकि सेल ट्रांसपेरेंट था और सेल के मुख्तलिफ चीजों के बीच कंट्रास्ट नहीं था, तो आपको कोई चीज नजर नहीं आ रही थी। अगर नजर भी आ रही थी तो ब्लर ब्लर, आप कुछ क्लियर डिसीजन नहीं ले पा रहे थे। लेकिन जब आप स्टेन ऐड करते हैं, स्टेन हमने ऐड किए, तो स्टेन की वजह से कंट्रास्ट पैदा हुआ और कंट्रास्ट की वजह से दो काम हुए। एक काम नंबर एक विजिबिलिटी, आपको सेल नजर आया, और दूसरा काम जो हुआ वो डिस्टिंग्विश, सेल के मुख्तलिफ हिस्सों के दरमियान फर्क नजर आया। तो ये स्टेनिंग का असल मकसद है। उम्मीद करता हूँ कि ये मकसद, ये पॉइंट आपको क्लियर आ गया होगा। लेकिन इस तस्वीर से, इन दो पॉइंट से आपको एक और चीज समझ में आ जानी चाहिए, और वो क्या चीज़ है और वो पॉइंट क्या है, और जो आपके टेक्स्ट बुक के अंदर भी लिखा हुआ है वो पॉइंट कि स्टेनिंग इंक्रीजेज द रिजोल्यूशन पावर ऑफ द माइक्रोस्कोप। स्टेन किसी माइक्रोस्कोप की रिजोल्यूशन पावर को इंक्रीज करती है, और रिजोल्यूशन पावर की वीडियो मौजूद है, आप वहां पर डेफिनेशन देखेंगे कि रिजोल्यूशन पावर का हमने डिफाइन किया था कि द एबिलिटी ऑफ अ लेंस टू डिस्टिंग्विश बिटवीन पॉइंट्स, कि वो पॉइंट के बीच फर्क बता सके। लेकिन यहाँ पर यही माइक्रोस्कोप आपको कोई फर्क बताने से कासिर था, लेकिन जब हमने स्टेन ऐड किया तो माइक्रोस्कोप भी इस काबिल हुआ कि उसने सेल के मुख्तलिफ हिस्सों के दरमियान फ़र्क बता दिया। और माइक्रोस्कोप की हेल्प किसने की? स्टेनिंग। मैग्नीफिकेशन में कोई हेल्प वो नहीं देता, वो स्टेन के बगैर हो जाता है, लेकिन माइक्रोस्कोप की रिजोल्यूशन के लिए, स्पेसिमन के मुख्तलिफ हिस्सों को अलग अलग देखा सकने के लिए, स्पेसिमन को हम स्टेन से रंग देते हैं, और वो स्टेन जो होते हैं वो माइक्रोस्कोपिक कौन सी पावर को इंक्रीज करते हैं? रिजोल्यूशन को, नॉट मैग्नीफिकेशन। मैग्नीफिकेशन तो उसके बगैर भी हो गई थी, लेकिन सेल के मुख्तलिफ हिस्सों को अलग अलग देखने के लिए आपको स्टेन की ज़रूरत पड़ी, और मुख्तलिफ हिस्सों को अलग देखना, उस एबिलिटी को हमने किया गया रिजोल्यूशन। तो ये इस पॉइंट का ये मतलब है कि स्टेनिंग इंक्रीजेज द रिजॉल्विंग पावर ऑफ अ माइक्रोस्कोप आर ऑफ अ लेंस। आप ये जरा ये पॉइंट समझने की कोशिश करें, स्पेसिमन बायोलॉजी के अंदर मोस्ट ऑफ द टाइम सेल ही होता है, तो हम सेल पे ही फोकस रखते हैं। वैसे स्पेसिमन क्रोमोसोम भी हो सकता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का कोई पीस भी हो सकता है, माइटोकांड्रिया भी अलग सा हो सकता है, लेकिन स्पेसिमन को अक्सर अवकात यहाँ पर हम ज़्यादातर सेल पर फोकस करते हैं। तो सेल के मुख्तलिफ चीज़ें, सेल के मुख्तलिफ पार्ट्स एक दूसरे से दो पॉइंट पर मुख्तलिफ होते हैं। स्टेनिंग के लिहाज से मैं बात कर रहा हूँ, वैसे तो बहुत सारा इख्तलाफ होता है, लेकिन स्टेनिंग के परस्पेक्टिव में, स्टेनिंग को बुनियाद बनाकर हम ये कहते हैं कि सेल के जो मुख्तलिफ पार्ट्स हैं वो दो वजूहात के बुनियाद पर एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं। वो कौन सी वजूहात हैं? स्टेनिंग की वजह से सेल के मुख्तलिफ हिस्से अलग अलग क्यों नजर आते हैं? उनकी वजह यह है कि डिफरेंट पार्ट्स ऑफ सेल एब्जॉर्ब डिफरेंट स्टेन्स। स्टेन्स चूंकि हम देखेंगे स्टेन क्या है और डिफाइन करेंगे, लेकिन स्टेन चूंकि केमिकल्स होते हैं, और ये हर स्टेन सेल के हर पार्ट से केमिकल अफिनिटी नहीं रखता। सेल का हर पार्ट
हर स्टेन नहीं लेता। सेल के मुख्तलिफ पार्ट मुख्तलिफ कलर के स्टेन लेते हैं, मुख्तलिफ नेचर के स्टेन लेते हैं, और इस बुनियाद पर यह डिस्टिंग्विशिंग हो रही है। आप डायग्राम के अंदर देख सकते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन ने कोई और स्टेन एब्जॉर्ब की, न्यूक्लियस ने कोई और स्टेन ली, माइटोकांड्रिया साइटोप्लाज्म ने कोई और स्टेन ली। तो इस मुख्तलिफ स्टेन इसने एब्जॉर्ब किए तो तभी हमको ये मुख्तलिफ नजर आ रहे हैं। दूसरा पॉइंट, अगर फॉर एग्जाम्पल सेल के अंदर कोई दो या तीन पार्ट एक ही स्टेन एब्जॉर्ब कर रहे हैं तो उसका भी तरीका है, उसको भी हम डिस्टिंग्विशिंग कर सकते हैं। और उसका तरीका यह है कि डिफरेंट पार्ट ऑफ सेल एब्जॉर्ब डिफरेंट कंसंट्रेशन, ऑफ अ सेम स्टेन। कि सेल के जो मुख्तलिफ हिस्से हैं वो इस लिहाज से भी एक दूसरे से डिफरेंट है कि सेल का एक हिस्सा उसी स्टेन की एक कंसंट्रेशन एब्जॉर्ब कर रहा होता है और दूसरा ऐसा कंसंट्रेशन डिफरेंट एब्जॉर्ब कर रहा होता है। तो आप ये पॉइंट समझने के लिए आप ये देखें ये डायग्राम को कि सेल के अंदर क्रोमोसोम और न्यूक्लियस, ये चूंकि दोनों में डीएनए होता है तो ये दोनों एक ही कलर एब्जॉर्ब कर रहे हैं, लेकिन न्यूक्लियस आपको ज़्यादा डार्क नज़र आएगा, डार्क ब्लू इस डायग्राम के अंदर, क्योंकि न्यूक्लियस क्रोमोसोम से इस लिहाज से डिफरेंट है, स्टेनिंग की मैं बात कर रहा हूँ कि वो उसी कलर का स्टेन क्रोमोसोम के मुकाबले में ज़्यादा एब्जॉर्ब कर रहा है और क्रोमोसोम थोड़ा सा कम स्टेन ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो इस पॉइंट को बुनियाद बनाकर भी हम डिस्टिंग्विशिंग कर सकते हैं। पहला पॉइंट तो वो तो बहुत स्ट्रांग पॉइंट है कि सेल के मुख्तलिफ हिस्से मुख्तलिफ कलर ऑब्जर्व करते हैं, लेकिन सेल के मुख्तलिफ हिस्से इस लिहाज से भी एक दूसरे मुख्तलिफ है कि सेल का एक हिस्सा उसी स्टेन उसी कलर को ज़्यादा ऑब्जर्व करता है और दूसरा हिस्सा कम ऑब्जर्व करता है। तो इस कमी उबेशी की बुनियाद बनाकर भी हम सेल के मुख्तलिफ हिस्सों को एक दूसरे से अलग अलग देख सकते हैं। अब हम देखते हैं कि स्टेन बुनियादी तौर पर होते क्या है, व्हाट आर स्टेन्स। तो स्टेन की तरफ हम जाते हैं, एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन हम पढ़ेंगे स्टेन्स का भी इस सेशन के अंदर। क्वेश्चन को हम डील करते हैं, व्हाट आर स्टेन्स। अ केमिकल सब्सटेंस with a specific color used in microscopy for getting a contrast इन अ स्पेसिमन। स्टेन एक केमिकल सब्सटेंस होता है जो किसी स्पेसिमन के अंदर कंट्रास्ट डिवेलप करने के लिए, डिस्टिंग्विशिंग करने के लिए हम माइक्रोस्कोप के में स्पेसिमन को हम ये स्टेन केमिकल ऐड करते हैं। स्टेन वो केमिकल होता है जो किसी स्पेसिमन को ऐड किए जाते हैं माइक्रोस्कोप के अंदर। माइक्रोस्कोप के नीचे जब हम स्पेसिमन देखते हैं तो एम ऐड करते हैं, किस मकसद के लिए कि स्पेसिमन के अंदर जो इमेज बन रही है, माइक्रोस्कोप के अंदर स्पेसिमन का जो इमेज बन रहा है उसके हम अंदर हम हमें बेहतर कंट्रास्ट मिले, बेहतर रिजोल्यूशन मिले और बेहतर डिस्टिंग्विशिंग ऑफ द वेरियस पार्ट्स हमें मिले और हम सेल के मुख्तलिफ हिस्सों को अलग अलग करके देख सकें, स्पेसिमन के मुख्तलिफ हिस्सों को अलग अलग करके देख सकें। तो इस मकसद के लिए हम स्टेन इस्तेमाल करते हैं। स्टेन के मुख्तलिफ किस्में हैं, लेकिन जो हमारे कोर्स के अंदर जो क्लासिफिकेशन है उस पर हम फोकस करते हैं। स्टेन दो तरह के होते हैं, किस बुनियाद पर, ऑन द बेसिस ऑफ देयर यूजेज, कि स्टेन को हम कब इस्तेमाल कर सकते हैं। इस बुनियाद पर स्टेन की दो किस्में हैं, टाइप्स ऑफ स्टेन ऑन द बेसिस ऑफ स्पेसिमन। के स्पेसिमन लिविंग है या डेड है,
इसको बुनियाद बनाकर हम स्ट्रेन की दो किस्म में पढ़ेंगे। स्ट्रेन की एक किस्म को हम कहते हैं वाइटल स्ट्रेन, और स्ट्रेन की दूसरी किस्म को हम कहते हैं नॉन वाइटल स्ट्रेन। वाइटल स्ट्रेन्स वो स्ट्रेन्स होते हैं, दो स्ट्रेन्स दैट आर नॉन हार्मफुल आर लेस टॉक्सिक टू लिविंग सेल्स आर टिश्यूज व्हेन used in lower concentration. वाइटल स्ट्रेन वो स्ट्रेन होते हैं जो किसी लिविंग सेल को लिविंग हालत में देखने के लिए, किसी टिश्यू को लिविंग हालत में देखने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। और क्यों इस्तेमाल करते हैं? क्योंकि ये जो स्ट्रेन है, जो वाइटल स्ट्रेन है, ये लिविंग सेल के लिए कम टॉक्सिक होते हैं, कम हार्मफुल होते हैं, और ये लिविंग सेल को डैमेज नहीं करते, उसको किल नहीं करते। तो अगर आपने किसी अमेबा को, किसी बैक्टीरिया को लाइव हालत में देखना है कि वो जिंदा है, वो मूवमेंट किस तरह कर रहा है, वो न्यूट्रिशन किस तरह ले रहा है, तो इस मकसद के लिए आपको वाइटल स्ट्रेन इस्तेमाल करना होगा। इस स्ट्रेन को हम इन व्यू स्टडी के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। इन व्यू स्टडी का मतलब है कि किसी ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर, जबकि वो जिंदा है, उसके अंदर आप किसी सेल को देखना चाहते हैं माइक्रोस्कोप के नीचे, तो किसी लार्वे के अंदर, किसी छोटे से ऑर्गेनिज्म के अंदर वो जिंदा है, आप किसी खास सेल को टारगेट कर रहे हैं कि आप उसके बॉडी के अंदर देखें कि वो सेल किस तरह है, तो इन व्यू मकसद के लिए भी, स्ट्रेनिंग के लिए भी हम ये स्ट्रेन इस्तेमाल करते हैं। इसके एग्जांपल, और क्यों इस्तेमाल करते हैं? क्योंकि ये लिविंग बॉडी को, लिविंग सेल को नुकसान नहीं देता। लेकिन कब नुकसान नहीं देता? जब आप इसको कम कंसंट्रेशन के अंदर यूज़ करेंगे। और कम कंसंट्रेशन का मतलब देखिए क्या होगा, कि लेस क्लैरिटी ऑफ द इमेज, कि पिक्चर पर ज़्यादा क्लियर नहीं आएगी। यानी स्ट्रेन की कंसंट्रेशन अगर आप रिक्वायर्ड से कम इस्तेमाल करेंगे तो जाहिर सी बात है कि रिजोल्यूशन कम होगी, कंट्रास्ट कम होगा, और विजिबिलिटी भी उसी बुनियाद पर कम ही होगी। इसके एग्जांपल हमारे पास हो, न्यूट्रल रेड एंड मिथाइलिन ब्लू, ये दो स्ट्रेन्स है जो नॉर्मली हम सेल के अंदर इस्तेमाल करते हैं। न्यूट्रल रेड साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल के लिए, मिथाइलिन ब्लू न्यूक्लियस के लिए हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं, ये न्यूट्रल स्ट्रेन्स है। नॉन वाइटल स्ट्रेन्स, सॉरी, ये वाइटल स्ट्रेन्स है। नॉन वाइटल स्ट्रेन्स दो स्ट्रेन्स दैट आर हार्मफुल एंड टॉक्सिक टू लिविंग सेल्स एंड टिश्यूज। ये वो स्ट्रेन है जो लिविंग सेल और टिश्यू को देखने के लिए आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि जैसे ही ये स्ट्रेन आप ऐड करेंगे लिविंग सेल के अंदर, लिविंग सेल को या लिविंग जो, तो वो मर जाएगा, डेड हो जाएगा। तो दे आर यूज फॉर अ डेड स्पेसिमेंस। अगर कोई सेल, कोई बैक्टीरिया, कोई अमेबा ऑलरेडी डेड हो और आप उसको डिटेल में देखना चाह रहे हो तो आप ये स्ट्रेन इस्तेमाल कर सकते हैं। ये कंसंट्रेशन भी आप ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि आपको बेटर विजिबिलिटी मिलेगी, बेटर कंट्रास्ट मिलेगा। इसकी एग्जांपल हमारे पास यूसीन स्ट्रेन है, बुरेक्स कार्मीन, एक लंबी लिस्ट है इन स्ट्रेन्स की जो कि नॉन वाइटल है और टॉक्सिक है लिविंग सेल के लिए। स्ट्रेन की एक और क्लासिफिकेशन भी हम देखेंगे, और वो क्लासिफिकेशन हम देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ टारगेट एरिया, कि आप किसी स्पेसिमेन के अंदर कोई खास एरिया देखना चाहते हो, तो उसके लिए हम दो तरह के स्ट्रेन इस्तेमाल करते हैं। तो क्लासिफिकेशन ऑफ स्ट्रेन ऑन द बेसिस ऑफ टारगेट एरिया हम देखते हैं। Strains types
ऑन द बेसिस ऑफ टारगेट एरिया. टारगेट एरिया का मतलब यह है कि आप लेबोरेटरी के अंदर जा रहे हो और आपके जहन में सेल के अंदर या किसी स्पेसिमन के अंदर कोई आप खास ऑर्गेनिल, कोई खास एरिया देखना चाहते हो, तो आज की तारीख में, आज के दिन आपके लिए वो पार्ट टारगेट एरिया है. और उस टारगेट एरिया के लिए लेबोरेटरी के अंदर जो स्टेन पड़ा हुआ है, जिस पर लिखा हुआ है कि ये स्टेन इस एरिया के लिए इस्तेमाल हो सकता है, तो वो स्टेन आज के लिए आपके पास प्रिंसिपल स्टेन है. तो इस लिहाज से स्टेन की दो किस्में हैं. एक को हम कहते हैं प्रिंसिपल स्टेन, और दूसरे को हम कहते हैं काउंटर स्टेन. काउंटर का मतलब होता है मुखालिफ, अपोजिट. प्रिंसिपल स्टेन को हम डिफाइन करते हैं द स्टेन यूज्ड फॉर डिजायर्ड आर टारगेट एरिया ऑफ द स्पेसिमन. आपके जहन में एक टारगेट है कि आज मैं सेल के अंदर न्यूक्लियस देखूंगा, तो न्यूक्लियस के लिए लेबोरेटरी में जो स्टेन्स पड़े हुए हैं उनमें से आप कोई भी एक स्टेन पिक करते हैं, वो आज की तारीख में, आज के लिए आज के दिन के लिए आपके लिए कौन सा स्टेन है? प्रिंसिपल स्टेन. आपके जहन में कि आज मैं साइटोप्लाज्म के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर माइटोकांड्रिया देखना चाहता हूँ, तो माइटोकांड्रिया के लिए लेबोरेटरी के अंदर जो स्टेन पड़ा होगा वो आज की तारीख में आपके लिए प्रिंसिपल स्टेन है. लेकिन स्टेन जो है वो पेयर्स में इस्तेमाल होते हैं, बेटर कंट्रास्ट के लिए, बेटर रिजोल्यूशन के लिए. अब प्रिंसिपल स्टेन की इफेक्ट को मल्टीप्लाई करने के लिए, उस पिक्चर को ज़्यादा क्लियर करने के लिए, आपको प्रिंसिपल स्टेन के साथ साथ कम से कम एक दूसरा स्टेन भी इस्तेमाल करना होगा, और उस स्टेन का नाम होगा काउंटर स्टेन. द स्टेन दैट हैज़ अ कलर अपोजिट टू प्रिंसिपल स्टेन. वो स्टेन जिसका कलर प्रिंसिपल स्टेन से मुखालिफ होगा, और ये किस चीज के लिए इस्तेमाल होगा? टू इंप्रूव द रिजल्ट ऑफ द प्रिंसिपल स्टेन. प्रिंसिपल स्टेन के रिजल्ट को बेहतर बनाने के लिए, इमेज को मजीद क्लियर करवाने के लिए ये स्टेन इस्तेमाल होगा बाय गेटिंग कंट्रास्ट. ये बात आपको समझ आ जाएगी एक डायग्राम की मदद से किस तरह से. फॉर एग्जांपल, ये हमारे पास सेल है, इसको माइक्रोस्कोप ने मैग्नीफाई किया, मैग्नीफाइड लेट से 500x तक मैग्नीफाई किया, कुछ नजर नहीं आ रहा. आप देखना चाहते हैं न्यूक्लियस. अब अपने न्यूक्लियस के जितने भी स्टेन्स है, आप कोई एक पिक करते हो, यू सीन स्टेन है, मिथाइलिन ब्लू है. फॉर एग्जांपल, हम मिथाइलिन ब्लू पिक करते हैं, तो आपने मिथाइलिन ब्लू ऐड किया और ये स्टेन न्यूक्लियस ने एब्जॉर्ब कर लिया और आपको न्यूक्लियस नज़र आ रहा है. तो ये आपको न्यूक्लियस नज़र आ रहा है, और ये स्टेन जो आपने यूज़ किया, ये कौन सा स्टेन हुआ? प्रिंसिपल स्टेन. लेकिन अब आपको ये नज़र नहीं आ रहा कि न्यूक्लियस के बैकग्राउंड में क्या क्या चीज़ें हैं, न्यूक्लियस के आसपास क्या है, क्योंकि बाहर का एरिया तो आपने स्टेन ही नहीं किया. अब इसके लिए आप जो दूसरा स्टेन यूज़ करोगे वो होगा काउंटर स्टेन, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को कलर करेगा, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को कलर करेगा, जो माइटोकांड्रिया को कलर करेगा, आपको बेटर कंट्रास्ट देगा. और न्यूक्लियस आपको पहले भी नज़र आ रहा, लेकिन अब आपको सूरत हाल क्लियर नज़र आ रही है कि न्यूक्लियस सेल के अंदर कहाँ पर है,
दूसरे आर्गेनिल के साथ उसका ताल्लुक क्या है, दूसरे आर्गेनिल के मुकाबले में इसका साइज कितना है। आपको ये सारी डिटेल किस स्टेन ने प्रोवाइड की? काउंटर स्टेन ने। काउंटर स्टेन ने क्या किया? कंट्रास्ट दी, कंट्रास्ट इंक्रीज की, रिजोल्यूशन इंक्रीज की, डिस्टिंग्विशिंग दी, और आपको अपना टारगेट एरिया जो है वो तो नजर आ ही गया, लेकिन साथ साथ बैकग्राउंड भी क्लियर हुआ। तो काउंटर स्टेन बैकग्राउंड के लिए यूज होता है, कंट्रास्ट के लिए यूज होता है, और प्रिंसिपल एंड टारगेट एरिया को देखने के लिए। तो ये डायग्राम आपको फर्क बता रहा है कि प्रिंसिपल स्टेन और काउंटर स्टेन में क्या बुनियादी फर्क होता है, और हम क्यों स्टेन के बारे में है कहते हैं कि स्टेन्स आर यूज्ड इन पेयर। तो स्पेयरिंग की आपको अब समझ आ जानी चाहिए इस डायग्राम से कि हम एक ही स्पेसिमन को देखने के लिए, एक टारगेट को देखने के लिए दो स्टेन कम से कम क्यों इस्तेमाल करते हैं, पेयर में क्यों इस्तेमाल करते हैं। एक तो टारगेट को देखने के लिए, और दूसरा टारगेट के बैकग्राउंड को क्लियर करने के लिए, कंट्रास्ट, ताकि हम टारगेट तो देख सके लेकिन टारगेट को दूसरे जो पार्ट से स्पेसिमन के उनके रिलेशन में देख सके, टोटेलिटी को देख सके, इन टोटल हम देख सके, तभी हम कोई बेहतर फैसला कर सकते हैं। तो दैट इज वाई स्टेन आर यूज इन पेयर, और एक पेयर के अंदर दो स्टेन, प्रिंसिपल एंड काउंटर स्टेन। अब देखते हैं स्टेन की और क्लासिफिकेशन। अब जब लेबॉरेटरी के अंदर, स्कूल या कॉलेज में, आप यूनिवर्सिटी में आप रेक्स के अंदर स्लाइड देख रहे हैं, तो कुछ स्लाइड ऐसे होते हैं जो सालों साल से लेबॉरेटरी के अंदर पड़े होते हैं, और स्टूडेंट आ रहे होते हैं, उनको देख रहे होते हैं, एक बैच गुजर रहा है, दूसरा बैच आ रहा होता है, वो भी देख रहे होते हैं, तो वो स्लाइड ख़राब नहीं होते। क्यों? क्योंकि उस स्लाइड पर जो स्पेसिमन है उसको हमने ऐड किया है एक परमानेंट स्टेन से। और स्टेन की एक दूसरी किस्म जिसको हम टेम्प्रेरी स्टेन कहते हैं। तो स्टेन की क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ अ मूड ऑफ स्टेनिंग, के एक स्टेन किस हद तक एक स्पेसिमन को कलर दे सकता है, कितने टाइम तक। तो स्टेन की एक और क्लासिफिकेशन हम देखते हैं। स्टेन क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ मूड ऑफ स्टेनिंग, ड्यूरेशन। तो स्टेन की दो किस्में हैं इस लिहाज से। एक को हम कहते हैं टेम्प्रेरी स्टेन, जो मोस्ट ऑफ द टाइम हम लेबॉरेटरी के अंदर यूज करते हैं, टेम्प्रेरी स्टेन्स। और स्टेन की दूसरी किस्म को हम कहते हैं परमानेंट स्टेन। टेम्प्रेरी स्टेन दो स्टेन्स, दैट आर रिमूव्ड फ्रॉम स्पेसिमन बाय अ सिंपल अल्कोहलिक वॉश, आर दे आर वोलेटाइल। ये वो स्टेन होते हैं जब आप, हम स्पेसिमन को इस स्टेन से रंग लेते हैं, तो स्पेसिमन को देखने के बाद हम इस स्लाइड को टेबल पर रख देते हैं, तो कुछ ही देर बाद ये स्टेन खुद बहुत वोलेटाइल होता है और वेपराइज हो जाता है, और स्टेन को और स्पेसिमन को छोड़ जाता है। दे लिफ्ट द स्पेसिमन आफ्टर अ व्हाइल बिकॉज दे आर वोलेटाइल अनस्टेबल। या अगर वोलेटाइल नहीं भी है, तो अगर आप उस स्पेसिमन को सिंपल वॉश दे 30% अल्कोहल से, तो ये स्टेन स्पेसिमन को छोड़ देगा और अल्कोहल के साथ बह जाएगा। तो ये स्टेन को हम टेम्प्रेरी स्टेन कहते हैं। लेकिन एक स्टेन है परमानेंट स्टेन, दो स्टेन्स, दैट आर नॉट रिमूव्ड फ्रॉम स्पेसिमन विद अ सिंपल अल्कोहलिक वॉश। ये वो स्पेसिमन है कि जिनको अगर आप एक स्पेसिमन को ऐड करो, तो ये बहुत लंबे अरसे तक स्पेसिमन से जाते नहीं है। सिंपल अगर 30% अल्कोहल आप इस्तेमाल करें इस वॉश के लिए, तभी ये स्पेसिमन को छोड़ेंगे नहीं।
लेकिन अगर आपने कवर स्लिप से इसको कवर किया तो ये तो सालों साल स्पेसिमन के साथ अटैच रहेंगे और वो स्पेसिमन को स्टूडेंट्स देख रहे होते हैं एक साल के बाद दूसरे साल के लिए वो स्टेन लेबॉरेटरी के अंदर वो स्लाइड लेबॉरेटरी के अंदर पड़ी होती है और लोग उसको देख रहे होते हैं क्योंकि वहाँ पर हमने ऐड किया होता है परमानेंट स्टेन जो ना वोलेटाइल होता है और ना सिंपल अल्कोहलिक वाश से वो स्टेन स्पेसिमन को छोड़ता है। तो ये परमानेंटली स्पेसिमन के साथ अटैच होता है और इस स्पेसिमन को आप दूसरे दिन तीसरे दिन चौथे दिन भी इसी स्टेन के साथ देख सकते हो। तो इस स्टेन को हम परमानेंट स्टेन कहेंगे। आपकी किताब के अंदर इस टॉपिक के एंड में एक दो टेबल्स दिए हुए हैं और उन टेबल में आपको इन दोनों स्टेन टेम्प्रेरी और परमानेंट स्टेन की एक प्रोफाइल मिलेंगे कि कौन सा स्टेन परमानेंट है और कौन सा टेम्प्रेरी स्टेन है। तो मैं किताब के टेबल से आपको समझाता हूँ कि ये जो दो टेबल इस टॉपिक के आखिर में दिए हुए हैं इसका मकसद क्या है। इस किताब के अंदर ये जो दो टेबल दिए हुए हैं आप टेबल नंबर 1.2 को देखें, प्रोफाइल ऑफ परमानेंट स्टेन। इस टेबल के अंदर जितने भी स्टेन हैं ये सारे इस कैटेगरी में आते हैं परमानेंट स्टेन। और इस टेबल को आप देखें कि स्टेन का नाम लिखा हुआ है, उसका फाइनल कलर लिखा होता है और ये किस टारगेट एरिया को देखने के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं, किस चीज़ के लिए, सेल के किस पार्ट के लिए, किस बायोलॉजिकल एंटिटी को स्टेन करने के लिए हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये तीन चीज़ें इस टेबल के अंदर हैं। फॉर एग्जांपल आप देखें इनालिन ब्लू को, फर्स्ट जो स्टेन है परमानेंट स्टेन है, इसका फाइनल कलर ब्लू होता है। फाइनल कलर का क्या मतलब है? फाइनल कलर का मतलब यह है कि स्टेन लेबॉरेटरी के अंदर पड़ा हुआ है, ये हो सकता है कि उस स्टेन का इनिशियल कलर कलरलेस हो, उसका कोई कलर ही ना हो, लेकिन जब आप उसको ऐड करेंगे सैंपल में तो वो रिएक्शन करेगा और फिर वो कलर देगा। तो ये फाइनल कलर का ये मतलब है। या ये भी हो सकता है कि स्टेन जब लेबॉरेटरी के अंदर बॉटल में पड़ा हुआ है तो उसका कलर रेड हो, लेकिन जब आप उसको स्पेसिमन में ऐड करोगे तो उसका कलर तब्दील हो जाएगा और वो जो स्पेसिमन के साथ वो जो कलर दे रहा है वो उसका फाइनल कलर है। तो ये इस टर्म का ये मतलब हुआ, सूटेबल फॉर, यानी ये कलर, ये स्टेन जो है आप किस बायोलॉजिकल एंटिटी को स्टेन करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हो? हाइफी ऑफ द फंजाई एंड स्पोर्स ऑफ प्लांट एंड फंजाई, स्पोर्स को देखने के लिए। दूसरा स्टेन बुरेक्स कार्मीन स्टेन, इसका फाइनल कलर क्या? पिंक। यूजुअली बुरेक्स कार्मीन जो है ये बॉटल के अंदर जब होता है तो ये रेड होता है, लेकिन जब आपको स्पेसिमन में ऐड करोगे तो इसका कलर पिंक हो जाएगा। और ये न्यूक्लियस, ये ओबिलिया कॉलोनी जो सिलेंड्रेट है, एक एनिमल है, उसकी कॉलोनी को हम स्टेन करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरी जो टेबल है ये टेम्प्रेरी स्टेन्स है, जो जिसको आप 5-6 मिनट 10 मिनट आधे घंटे के लिए स्पेसिमन के साथ ये रहते हैं, लेकिन या ये तो वोलेटाइल होते हैं, जल्दी वेपराइज हो जाते हैं, या इनको अगर आप स्लाइड को वॉश करो सिंपल अल्कोहल से तो ये स्टेन रिमूव हो जाएंगे। तो ये एनालिन सल्फेट स्टेन है, इसका फाइनल कलर क्या है? येलो। और ये लेग्निन के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं, प्लांट के सेलवाल में जो पॉलीसेकेराइड होते हैं, लेग्निन, सॉरी पॉलीसेकेराइड नहीं, ऑर्गेनिक कंपाउंड। आयोडीन सॉल्यूशन, इसका फाइनल कलर ब्लू ब्लैक है, ब्लू ब्लैक, इसको आप स्टार्च मॉलिक्यूल को देखने के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये दो टेबल आपने SMCQs आ जाते हैं, इस पर भी आपने गौर करना है और इसमें से कुछ मशहूर स्टेन आपको याद भी करने होंगे, इनका फाइनल कलर और इनका टारगेट एरिया। तो ये इन टेबल्स का मकसद है। तो यहाँ पर आज का लेक्चर ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक को। अल्लाह हाफिज़।